अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं जैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये सेट है सैमसंग का, 32 इंच का एलईडी टीवी है, स्मार्ट। तो ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है, ये इसका टीकोन बोर्ड लगा हुआ है, तो ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसके जो बैक लाइट है उसको वोल्ट नहीं मिलते, ठीक है। सेट ऑन होता है लेकिन बैक लाइट को यहाँ पे वोल्ट नहीं मिल रहे, ये पेस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, ये इसमें फॉल्ट है। तो सेट बिल्कुल ऑन होता है, बिल्कुल ओके है, लेकिन इसकी पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर क्यों नहीं आ रही? बैक लाइट इसकी ऑन नहीं होती। तो बैक लाइट को ऑन तो तब होगी जब इसके वोल्ट मिलेंगे, लेकिन अभी इसको वोल्ट नहीं मिल रहे बैक लाइट को, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसको ट्रेस किया, वो फॉल्ट फॉल्ट इसका कहाँ पर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर इसमें फॉल्ट क्या है और कहाँ पर फॉल्ट है। तो जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हर इसके वोल्ट क्यों क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि जब हम ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉल्ट मिलता है इसके डायोड का, ठीक है। तो जैसा कि मल्टीमीटर की अभी आप बजर भी सुन सकेंगे, ठीक है। तो जब हम चेक करते हैं तो ये आप सुन सकते हैं, ये शॉर्ट शो कर रहा है, ठीक है, ये भी, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों शॉर्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी ओपन करने से पता चलेगा कि ये सारे तीनों के तीनों ख़राब हैं या बस इसमें एक ही ख़राब है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर एक ख़राब है तो दूसरे भी शॉर्ट शो करेंगे, ठीक है। तो अभी इनको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें पता चलेगा, क्लियर होगा कि क्या वाकई इसके ये ख़राब है या कि इसके तीनों ख़राब हैं या कि इसका कोई और भी फॉल्ट है। अभी इसके ट्रांजिस्टर वगैरह भी चेक करने पड़ेंगे। इसको ओपन करते हैं, ओपन करके पावर सप्लाई को फिर इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है। बहरहाल जो अभी तक जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ इसका बस ये डायोड शॉर्ट शो कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। बहरहाल इसको ओपन करते हैं, तो जी आप देख सकते हैं सेट अभी स्टैंड बाई मोड में है, ठीक है। सेट हमारा यानी कि इसकी अभी मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, ये इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो सेट ऑन हो जाता है, बिल्कुल साउंड भी आती है लेकिन इसकी पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है। तो इसकी जो बैक लाइट है वो ऑन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी जो पिक्चर है वो नज़र नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं बन रहा, ठीक है। ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी आप इसके देख सकते हैं सेट ओके, लेकिन इसकी बैकलाइट आप देख सकते हैं, बैकलाइट इसकी ऑन नहीं हुई, ठीक है। तो बैकलाइट ऑन तब नहीं हुई क्योंकि इसके ये दोनों। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि इसके डायोड को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने से क्लियर हो जाएगा कि हमारा फॉल्ट जो है वो क्या एक ख़राब है या तीनों के तीनों ख़राब है। ये तो अभी इसको ओपन करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तीनों ये हो जाए वो शॉर्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको ओपन करने जा रहा हूँ, ये दो जो है मैंने ओपन कर लिए, ठीक है, ये दोनों ओपन कर लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दो मैंने ओपन कर लिए। अब इनको यहाँ पे चेक करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब ऐड होते हैं तो
उस वक्त शार्ट शो करते हैं, जब इनको ओपन कर लें तो कुछ समटाइम ऐसा भी होता है कि वो ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये तो ख़राब है, ये ठीक है, ये भी ख़राब है, यानी कि इसमें दो ख़राब हैं और एक जो है वो ठीक है। अभी इनको मज़ीद बाहर निकाल लेते हैं, फिर इनको चेक करते हैं। ये निकाल लिए मैंने, ये है 460, ठीक है, NUR। तो ये आप नज़र सुन सकते हैं, ये शॉर्ट शो कर रहा है शॉर्ट, ठीक है। एक ये ख़राब हो गया, इसके साथ एक इसका दूसरा भी ख़राब है, ये भी। ठीक है, ये भी निकाल लिया, ये ठीक है, ठीक है। जब बाहर निकाल तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये दोनों रिमूव कर दिए, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने दूसरे लगा दिए। तो अब हम इसको एक दो स्क्रू लगा लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पावर देते हैं, ये मैंने पावर दे दी, अब इसकी लाइट ऑन है, ठीक है। इसको अब ऑन कर लेते हैं, ये लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ऑफ हो गया, तो अब आप देख सकते हैं, शायद आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी बैक लाइट भी जो है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है, सेट हमारा बिल्कुल ओके है। तो जी आप देख सकते हैं सेट बिल्कुल ओके, ठीक है। तो इसकी बैकलाइट में कोई फॉल्ट नहीं, बस इसकी जो फॉल्ट था इसके पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई के वो भी दो ट्रांजिस्टर, सॉरी दो डायोड, ये कैपेसिटर के साथ लगे हुए हैं, ये दोनों ख़राब, जिसकी वजह से हमारी जो बैकलाइट है वो ऑन नहीं हो रही थी और डिस्प्ले इसका इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था। तो अब सेट हमारा बिल्कुल